नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज रेल रूट सर्वे के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में रेल रूट सर्वे क्या है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्यों आवश्यक है एंड कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स सर्वे के दौरान उपयोग किए जाते हैं, तो आइए दोस्तों देखते हैं रेल रूट सर्वे। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। अब बात आती है रेल रूट सर्वे। अब रेल रूट सर्वे हो या आपका कोई हाईवे हो, जब भी हम कोई भी न्यू रेलवे लाइन बनाते हैं या रेलवे लाइन को बिछाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है। बिना सर्वे के आप कोई भी रेलवे की नई लाइन कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू रेल लाइन डालने के लिए सर्वे काफी इंपॉर्टेंट होता है एंड इसी सर्वे के बेसिस पे हमारी जो गवर्नमेंट है अप्रूवल देती है और इसके बाद काम स्टार्ट होता है। तो रेल रूट सर्वेइंग इज नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेलवे लाइन बिटवीन टू प्लेस। किसी भी दो स्थान के बीच में न्यू रेलवे लाइन बनाने के लिए रेल रूट सर्वेइंग है, ये क्या होती है, नेसेसरी होती है, आवश्यक होती है। और रूट सर्वे इज अ डेटा कलेक्शन प्रोसेस टू गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रपोज रूट ऑफ ए रेलवे। मीन्स जो आपका रेल रूट सर्वे होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा को एकत्रित करते हैं। मीन्स हमको जैसे भोपाल से विदिशा के लिए लाइन आपको बनाना है, तो आपको यहां से वहां दो प्लेसेस के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। या भोपाल टू इंदौर आप न्यू रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या सबसे पहले करना पड़ेगा, सर्वे। तो सर्वे में हम क्या करते हैं, बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल्स होती है, उसको एकत्रित करते हैं इन जानकारियों को और इस रूट से संबंधित। द सर्वेयर आर टास्क टू फाइंड द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव रूट फॉर रेल। मीन्स जो इंजीनियर होता है, जो सर्वे करता है या जो सर्वेयर होता है, जिनको ये काम दिया जाता है, ये लोग हमारे, तो इसमें क्या होता है, जो इंजीनियर होता है, होते हैं जिनको ये काम असाइन किया जाता है, या जो सर्वेयर होते हैं, इनके लिए ये टास्क दिया जाता है कि आपको एक अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव रूट है जो कि आइडेंटिफाई करना है बिटवीन भोपाल टू इंदौर, या हम बोल सकते हैं भोपाल टू विदिशा। ठीक, इन इंजीनियर विल यूज द डेटा द सर्वे टीम्स कलेक्ट टू प्लान आउट द रूट इन डिटेल एंड क्रिएट स्पेसिफिकेशन फॉर वर्क। मीन्स इसमें जो इंजीनियर होते हैं वो डेटा का उपयोग करते हैं और जो इसकी सर्वेइंग इंजीनियर्स की टीम होती है, और एक कलेक्टेड डेटा से क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान के थ्रू किसी भी वर्क को स्पेसिफिकाई करते हैं कि हम कहां से, किस तरह से, कौन से रूट है जो कि हमारे पास पॉसिबल है और कॉस्ट इफेक्टिव है। क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव सर्वेयर जो होते हैं कई दो तीन रूट्स आइडेंटिफाई करते हैं और इस तीनों दो तीन रूट्स के थ्रू इसमें क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि जो हमारा रूट एक तो इकोनॉमिकल हो और बहुत अच्छा हो, जहां पर अधिक से अधिक पॉपुलेशन या आपकी इंडस्ट्री जो होती है वो उस रूट से जुड़ सके। ठीक, ड्यूरिंग सर्वे सर्वेयर्स टीम मे स्पेंड डे और वीक्स इन द फील्ड डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। जो सर्वे इंजीनियर होते हैं, जो सर्वेइंग करते हैं, तो ये हमारी प्रोजेक्ट के ऊपर निर्भर करती है कि हमारी जो डिस्टेंस है भोपाल टू इंदौर है या भोपाल टू झांसी है, तो जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट में हमारे इंजीनियर्स या सर्वेयर जो सर्वे का काम करेंगे उनको कई दिन भी लग सकते हैं, कई वीक्स भी लग सकते हैं फील्ड में सर्वे करने में। तो इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, रेल रूट सर्वे बोलते हैं। अब रेल रूट सर्वे जो है,
सेवरल स्टेट्स आर इन्वॉल्व टू प्रपोज सूटेबल अलाइनमेंट फॉर न्यू रेलवे लाइन। किसी भी न्यू रेलवे लाइन को अलाइनमेंट के लिए कई बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करें तो स्टेप इन्वॉल्व इन रेलवे लाइन सर्वेइंग। रेलवे लाइन सर्वेइंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वैलिडेशन ऑफ न्यू रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन, पहला है जो वैलिडेशन ऑफ न्यू रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन, सेकंड रिकंस्ट्रक्शन सर्वे, थर्ड प्रीलिमिनरी सर्वे एंड फोर्थ जो आपका होता है फाइनल सर्वे रिपोर्ट होती है। ये चार जो आपके स्टेप्स हैं ये रेल रूट सर्वे में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और अक्सर हम जब भी कोई न्यू लाइन के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले इन चार पॉइंट पे या इन स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करते हुए सर्वे किया जाता है। अब हम वन बाय वन इसको देखेंगे। सबसे पहले आपका है वैलिडेशन ऑफ न्यू रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन। तो फॉर न्यू रेलवे लाइन द फर्स्ट एंड फोर मोस्ट भी कंसीडर फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। किसी भी हम न्यू रेलवे लाइन को जब बनाते हैं तो इसमें हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर फोकस करते हैं, जैसे कि सबसे पहला है द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस एंड पीपल लिविंग इन द एरिया ए क्रॉस विच आर रेलवे लाइन इज प्रपोज्ड। यहां से यदि हम भोपाल टू इंदौर यदि रेलवे लाइन जो हमारी प्रपोज्ड है, प्रपोजल है कि यहां से हमको लाइन बनाना है, तो इसमें हम देखते हैं कि कितने विलेजेस, कितने टाउन्स या जो लोग हैं जो इसके आसपास इस रूट के या जहां से हम बनाना चाह रहे हैं इसके आसपास रहते हैं, कितनी इंडस्ट्रीज वगैरह पड़ती हैं। टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ ब्रिजेस, कलवर्ट्स, टनल्स एटसेट्रा। इसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा कि यहां से यदि हम भोपाल टू इंदौर ही सपोज मान लें तो इसमें कितने टनल्स बनाना पड़ेंगे, कितने ब्रिज रिक्वायर्ड होंगे एंड कितने कलवर्ट्स हैं जो कि नीड होगी। थर्ड पॉइंट, टू स्टडी द अलाइनमेंट एंड ग्रेडियंट्स कंटूर मैप ऑफ दैट एरिया शुड बी स्टडीड। मीन्स इसमें हम अच्छे से कंटूर मैप की, इसके एरिए की, अलाइनमेंट की क्या करना पड़ती है, स्टडी करना पड़ती है। टू कनेक्ट ऑल द इंडस्ट्रीज बाय रेलवे लाइन इंडस्ट्रियल मैप दैट शुड बी स्टडीज। मीन्स इसमें हमको स्टडीज भी करना पड़ती है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं या जो हमारे इस मैप में दिख रही हैं वो इस लाइन में या इसके नियरेस्ट हैं जो कि पड़ेंगी, क्योंकि देखिए हम रेलवे लाइन वहां पर बनाएंगे जहां पर लोगों को सुविधा हो, जहां रेलवे लाइन बनाने से लोगों के आने जाने से रेलवे के लिए रेवेन्यू जनरेट हो। ऐसा तो नहीं कि हम यहां से रेलवे लाइन ऐसी जगह पर बना दिए जहां खाली ट्रेन चलाएंगे, क्या नहीं चलाएंगे भाई? रेलवे को यदि आमदनी नहीं होगी तो वो रेलवे लाइन को बनाएगा क्यों? सबसे पहले तो आपको इसी पे फोकस करना है। कोई भी लाइन या कोई भी रोड बनाए जाते हैं तो सरकार ये भी फोकस करती है कि उसको आमदनी होगी या नहीं, खर्चा निकलेगा कि नहीं, कितना फंड आएगा एक साल के अंदर, कितनी पॉपुलेशन रहती है जो सफर करेगी भोपाल टू इंदौर। ये सारे फैक्टर्स को हम सबसे पहले सर्वे करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ जो पॉइंट है, न्यू रेलवे लाइन लेट शुड नॉट अफेक्ट द वैल्यूएबल लैंड इन एग्रीकल्चर। ऐसा तो नहीं कि जहां से हमने लाइन को प्रपोज्ड किया है कि यहां से हमको रेलवे लाइन बनाना है वहां पर बहुत अच्छी खेती की जमीन हो तो हमारे जो किसान हैं उनके लिए नुकसान उठाना पड़े, तो हमको ये भी फोकस करना है। तो ऐसी जगह भी हमको क्या करना पड़ेगी, अफेक्ट ना हो, इस पर भी फोकस करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है रिकंसंस सर्वे। रिकंसंस सर्वे जो होता है, बाय दिस सर्वे अ नंबर ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव रूट्स बिटवीन टू पॉइंट कैन बी वर्क आउट। मीन्स अब हम इसमें दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु, एक भोपाल को ए बिंदु दे दिया, सपोज इंदौर को बी दे दिया, इन दोनों पॉइंट के बीच में हम
पॉसिबल अल्टरनेटिव रूट्स को हम क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं, इस पे काम करते हैं कि यहां से कौन कौन से रूट से हम जा सकते हैं। यहां से हम भोपाल से सीओर, सीओर से आष्टा, आष्टा से फिर आगे हमको जो भी पढ़ते हैं देवास वगैरह, इसके बाद इंदौर। तो यहां से हम कितने रूट्स हैं जिसको हम आइडेंटिफाई, सपोज यहां से आपने 4 से 6 रूट को वर्कआउट किया कि ये 6 रूट हैं जो यहां यहां से हम इंदौर के लिए बना सकते हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन बिकम्स यूजफुल एट अ लेटर स्टेज इन द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पॉसिबल रूट बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब हम सर्वे में ये क्या कर लेते हैं, परीक्षण कर लेते हैं, हम 3-4 अल्टरनेटिव रूट्स भी स्टडी करते हैं और इसके बाद फिर इस पे हम क्या करते हैं, एक ग्राफ में बना के चार्ट में इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करके एनालिसिस करते हैं कि इसमें से आगे हमें जब हम फाइनल करेंगे तो हमको कोई 4 में से एक ही रूट फाइनल करना है, क्योंकि आपको एक ही रेलवे लाइन है जो कि कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक, तो इसमें हमें ये जो डिटेल्स होती है क्या होती है, उपयोगी होती है। द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ द रिकंसंस सर्वे डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वेशन क्वालिटीज एंड एबिलिटीज ऑफ इंजीनियर्स या सर्वेयर्स। मीन्स इसमें एक सफल कंडक्शंस जो है ये निर्भर करता है इंजीनियर्स की ऑब्जर्वेशन पे कि उसने जो सर्वे किया है सही किया है, उसकी क्वालिटीज पर एंड उसकी एबिलिटीज पर डिपेंड करता है कि एक अच्छा इंजीनियर होगा तो एक अच्छे रूट को चूज करेगा, 4 अल्टरनेटिव में से किसी एक अच्छे रूट के लिए परीक्षण करेगा और इसके बाद आगे उस रूट को प्रपोजल के लिए मूव करेगा। तो इसके बाद आपका जो थर्ड पैरामीटर होता है रेल रूट सर्वे में, प्रीलिमिनरी सर्वे। इस सर्वे में डिसाइड किया जाता है फाइनल रूट एंड रिकमेंड ओनली 1 पर्टिकुलर रूट इन प्रिफरेंस 2 अदर अल्टरनेटिव रूट्स। मीन्स जो हमारे पास 4 रूट थे इन सभी में से अब हमको एक रूट को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कि सर्वे में हर 4 रूट को रोज रोज लगे हुए हैं उसी का सर्वे कर रहे। एक बार हमने अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखे किस किस जगह से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कितने क्षेत्र हमारे जुड़ेंगे, कितनी पॉपुलेशंस इस रूट से कनेक्टिविटी होगी, और इसके बाद अब इसमें से हमको क्या करना है, किसी एक रूट को फाइनल करके रिकमेंड करना पड़ेगा अदर्स में से, सभी में से। दज द प्रीलिमिनरी सर्वे शुड बी कैरिड आउट विद ग्रेटर प्रिसीजन एज द अलाइनमेंट ऑफ फाइनल रूट डिपेंड ऑन इट। जो हमारा प्राथमिक परीक्षण होगा ये हमारा ग्रेटर प्रिसीजन मीन्स बहुत अच्छा होगा अलाइनमेंट के लिए, और ये हमारा फाइनल रूट पे भी क्या है निर्भर करता है। फ्रॉम दिस सर्वे डिटरमाइन द ग्रेटर एक्यूरेसी द कॉस्ट ऑफ रेलवे लाइन अलोंग दीज अल्टरनेटिव रूट्स इन्वॉल्विंग कॉस्ट ऑफ रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एटसेट्रा। मीन्स ये जो हमारा फ्रॉम इस सर्वे से हम क्या करते हैं निकालते हैं एक्यूरेसी, कॉस्ट ऑफ रेलवे लाइन कितना खर्चा आएगा, दीज अल्टरनेटिव रूट्स इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ रिमूविंग मीन्स कई लोगों आपत्ति लगाएंगे हमारी जगह में से नहीं बना सकते हो, तो इनको हटाने के लिए, इनको शॉर्ट आउट करने के लिए रोड में कितने ब्रिजेस बनेंगे, इन सभी को हम क्या करते हैं एक एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्ध सही निर्धारण करना। द इंस्ट्रूमेंट यूज इन दिस सर्वे, इस सर्वे में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं डंपी लेवल, प्रिज्मेटिक कंपास, टैकोमीटर, प्लेन टेबल एटसेट्रा, इन इंस्ट्रूमेंट का हम सर्वे में उपयोग करते हुए हम क्या करते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं। इसके बाद जब हम ये सर्वे कर लेते हैं तो अब बात आती है फाइनल सर्वे रिपोर्ट की। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीलिमिनरी सर्वे फाइनल अलाइनमेंट्स इज सिलेक्टेड एंड प्रिपेयर सर्वे रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनल अलाइनमेंट इज इकोनॉमिकल देन द अदर्स। हमारे पास जो अदर्स थे उसके कंपैरिजन में
हम इसमें क्या करते हैं, फाइनल अलाइनमेंट को सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं और इसके ऊपर हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। क्योंकि आप जब भी अप्रूवल लोगे तो अप्रूवल में आपको बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि यही रूट हम चूज क्यों कर रहे हैं और इसके कितने फायदे हैं दूसरे अलाइनमेंट या दूसरे रूट की अपेक्षा। ठीक, बट बिफोर इट्स अप्रूवल फाइनल लोकेशन सर्वे इज कंडक्टेड। अब परंतु इसमें क्या होता है, अप्रूवल लेने से पहले हम एक बार फाइनल लोकेशन सर्वे को भी कंडक्ट करते हैं जिसमें हम बहुत सारे पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करते हैं जैसे कि मशीनरी प्लर्स आर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द सेंट्रल लाइन ऑफ अलाइनमेंट विद इन इंटरवल ऑफ 1000 मीटर। मींस इसमें हम मशीनरी प्लर्स को बनाते हैं सेंट्रल लाइन ऑफ अलाइनमेंट के बीच में विद 1000 मीटर की गैप से या दूरी पे। द प्लर पोजिशन कैन डिफाइन द विड्थ रिक्वायर्ड फॉर रेलवे ट्रैक। मींस जो प्लर की पोजीशन है ये स्पेसिफाई करती है विड्थ, हमें ट्रैक के लिए कितनी विड्थ है जो कि आवश्यकता पड़ेगी। इन बिटवीन दीज पेज्स आर प्रोवाइडेड विद इन इंटरवल ऑफ 30 मीटर्स। इसमें हम पेज को लगाते हैं, पेज का यूज करते हैं 30 मीटर की इंटरवल से। ठीक, सेकेंड स्टेशन यार्ड आर मार्क्ड एट रिक्वायर्ड पॉइंट्स। कहां कहां पे हमको स्टेशन की आवश्यकता होगी, स्टेशन यार्ड के लिए हमको मेंशन करना पड़ता है, मार्क करना पड़ेगा रिक्वायर्ड पॉइंट्स पे। लेवल क्रॉसिंग कलवर्ट्स एटसेट्रा आर मार्क्ड। इसमें लेवल क्रॉसिंग को भी मार्क किया जाता है। ब्रिज प्रोविजन प्लेस आर मार्क विद दीज प्लस। इस प्लस के से हम क्या करते हैं, ब्रिज जो होते हैं हमारे पुल बनाना पड़ेंगे बीच में, उनके प्रोविजंस को भी हम मार्क करते हैं कि यहाँ से हमें कितनी नदी पड़ रहा है, कितने नाले पड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हमको जो ब्रिजेस वगैरह हैं वो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मीन्स बनाना पड़ेगा जब हम न्यू रेलवे लाइन को बनाएंगे। तो इन सारी चीजों के बाद हम फाइनल जो रिपोर्ट होती है, जो सर्वे इंजीनियर रिपोर्ट फाइनल करता है, इस रिपोर्ट को हम गवर्नमेंट के पास, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास रेलवे, हम अप्रूवल के लिए भेजेंगे। और जैसे वहां से हमको अप्रूवल मिलता है और फंड मिलता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, काम को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा जो रेलवे रूट सर्वे है वो किया जाता है। हम रेलवे रूट की बात करें या हाईवे की बात करें, सबसे पहले सर्वे ही होगा। ऐसा नहीं कि हम यहां से डाल दिए और यहां से ना हम सीओर को कनेक्टिविटी दिए, ना आस्टा को दिए, ना कहीं, तो हमें पॉपुलेशन मिलेगी, सफर कौन करेगा भाई आपकी ट्रेन में, जब कोई विलेजेस कोई टाउन ही नहीं पड़ेंगे तो आएगा जाएगा नहीं कोई, तो खर्चा किराया नहीं मिलेगा, रेवेन्यू नहीं मिलेगा गवर्नमेंट के लिए, तो ट्रेन रन करने का कोई सेंस रहेगा, कोई सेंस नहीं रहेगा। इसलिए सर्वे से ये सारी चीजें सबसे पहले एकत्रित करके, स्टडी करके, सारे पॉइंट को सोच समझ के डिसाइड करने के बाद ही हम फाइनल सर्वे और अप्रूवल कराते हैं। ठीक, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक बार जो वीडियो कंप्लीट देख लिया होगा वो अपने एग्जाम में डायरेक्ट अपने मन से इसका आंसर दे पाएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।